हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है। आइए दिखाता हूं एक्सेस में आज हम क्या करने वाले हैं। देखिए यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे संजीव शुक्ला लिखा हुआ है, राजेश चौहान, हीना खान लिखा हुआ है। अभी हमें करना क्या है इसमें, इसमें हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो कैसे हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, और ये हम काम करना चाहते हैं एसक्यूएल व्यू के माध्यम से। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाना है और सबसे पहले क्वेरी डिजाइन पे चलना है। और क्वेरी डिजाइन पे जाते ही यहाँ एसक्यूएल नजर आएगा, बस इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सेलेक्ट तो कभी कभी ऑलरेडी लिखा हुआ मिल ही जाता है हमें। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे टेबल को ओपन कर देता हूँ, एक बार टेबल देखिए, यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट के बाद NAME नेम। अब ये कहाँ से आएगा नेम, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो जो नेम है ये आएगा टेबल वन से, लेकिन अभी हमें इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ लिखेंगे लेंथ, ये लेंथ लिख दिया। अब यहाँ लिखेंगे वापस से एक बार और NAME नेम, ये नेम लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करके, और ये चूंकि वैल्यू कहाँ से आएगी, तो फ्रॉम टेबल वन से आएगी, तो ये लिख दिया टेबल वन। और ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपने टेबल का टी कैपिटल लिखा है तो आपको कैपिटल ही लिखना होगा, और ये लिख करके टर्मिनेशन दे दीजिए। और ये भी ध्यान रहे कि ये पुरानी टेबल क्लोज रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से इसको रन करवाने की बारी है। तो जैसे ही रन करवाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये 14 कैरेक्टर का है, ये 14 कैरेक्टर का है, और ये 10 कैरेक्टर का। और एक दिक्कत ये रहती है कि यहाँ पे exp ऐसे करके आ जाता है, तो इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहां पर दे देना है एज LENGTH लेंथ, तो यहाँ पे दे देंगे ना, फिर रन करवाएंगे तो यहाँ पे लेंथ के नाम से आएगा। तो ये देखिए लेंथ, जो भी नाम देंगे उस नाम से ये आ जाएगा। यहाँ पे इसकी लेंथ एक बार चेक करते हैं, तो यहाँ बाएं साइड से कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 है, तो बिल्कुल सही आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी लिखेंगे लेंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती चलेगी। जैसे यहाँ लोकेश कुमार लिखते हैं, लोकेश कुमार, तो यहाँ पे लेंथ तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो क्या इसमें नंबर भी कंटेन करेगा, नंबर को भी कैलकुलेट करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एस यू आर ए जे 1 2 3, ये लिख दिया, तो क्या ये इसको भी कैलकुलेट करेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल कैलकुलेट करेगा, देख सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।